हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गवर्नमेंट स्कीम्स के हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज बात करेंगे सुगम्य भारत अभियान की और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में देखते हैं क्या है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, DEPWD, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का पार्ट है, उन्होंने फॉर्मुलेट किया है ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने फॉर्मुलेट किया, राइट? मिनिस्ट्री। देन इट इज़ अ नेशन वाइड कैंपेन, पूरे कंट्री में है, सिलेक्टिवली किसी रीजन में या किसी स्टेट्स में नहीं है। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, जो प्रीलिम्स में आपके लिए ट्रैप हो सकते हैं। तो नेशन वाइड कैंपेन है किस चीज़ के लिए? यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी अटेन करने के लिए, PWDs के लिए, जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी हमने अचीव करनी है। कैसे अचीव करेंगे? तीन सेपरेट वर्टिकल्स हम टारगेट कर रहे हैं इस स्कीम के अंडर। कौन कौन से वो तीन वर्टिकल्स हैं? पहला तो बिल्ट अप एनवायरनमेंट, कि जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको टारगेट करो। बिल्ट अप एनवायरनमेंट जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स बिल्ट अप हैं। अगर हॉस्पिटल्स में रैंप नहीं लगा हुआ तो वो PWD फ्रेंडली नहीं है। जनरली हॉस्पिटल्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरीज हैं, इफ़ यू हैव टू गो टू अ लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में रैंप नहीं है तो देन लाइब्रेरी इज़ नॉट PWD फ्रेंडली। देन दूसरा वर्टिकल टारगेट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहता हूँ, इट कुड बी दिल्ली मेट्रो, इट कुड बी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस। अगर दोनों में रैंप की फैसिलिटी नहीं है तो PWDs अगेन दे वुड फाइंड इट हार्ड टू बोर्ड दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम है उसको भी हमें PWD फ्रेंडली बनाना है। तीसरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम, कि आपकी फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है, उसमें अब फैसिलिटी हो टेक्स्ट टू स्पीच की, कि जिनको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है वो स्पीच सुन के समझ सकें, पढ़ सकें। या फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहा है एंड हैज़ टू रीड अ टेक्स्ट बुक, तो उस टेक्स्ट बुक की अवेलेबिलिटी ब्रेल में होनी चाहिए ताकि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं वो ब्रेल फॉर्म में बुक को पढ़ सकें। तो ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम जो है। तो तीन डायमेंशंस को हम टारगेट कर रहे हैं। पहला तो जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेकंड जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा जो कि इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन तीनों चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं ताकि इनको PWD फ्रेंडली बनाया जा सके, ताकि यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर PWDs हम अटेन कर सकें। तो जो ये कैंपेन है सुगम्य भारत अभियान, इसमें सेट टारगेट्स हैं, डिफाइंड टाइमलाइंस हैं जो कि मीट करनी है, और ये IT और सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस कैंपेन की। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टाइम पे सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहती है, करने का प्रोविज़न रख रही है इस स्कीम में, टू पॉपुलराइज द स्कीम, की लोगों तक पहुँचा सके इस स्कीम को। तो इस स्कीम के तहत जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज DEPWD है, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बोला है कि आप 50 to 100 पब्लिक बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई करो बड़ी सिटीज़ में, एज वेल एज सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक वेबसाइट्स आइडेंटिफाई करो, जिनको अगर PWD फ्रेंडली बना दिया जाए, PWDs के लिए एक्सेसिबल बना दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उनकी ज़िंदगी में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मान लो आपको 50 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई करनी है, तो आप प्रायोरिटी उन बिल्डिंग्स को दोगे जहाँ पे PWDs जाते हैं, या अगर वो डिसेबिलिटी फ्रेंडली होंगी तो जाएंगे, एंड गोइंग देयर विल बेनिफिट देम द मोस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, दीज आर दी दोज बिल्डिंग्स, दोज प्लेसेस जो मैक्सिमम इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, आपने इनको आइडेंटिफाई करना है।
आइडेंटिफाई करने के बाद आपने इनका एक्सेस ऑडिट करना है। तो एक्सेस ऑडिट में आप क्या देखोगे कि क्या ये बिल्डिंग्स पीडब्ल्यूडी फ्रेंडली है या नहीं है। तो उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, जैसे एक पैरामीटर तो सबसे पहला पैरामीटर होगा कि क्या उसमें रैंप है एंटर करने के लिए या नहीं है, तो एक्सेस ऑडिट होगा। एंड डिपेंडिंग ऑन दी ऑडिट फाइंडिंग्स उनकी रेट्रोफिटिंग होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर रैंप नहीं है तो रैंप लगा दिया जाएगा, अगर लिफ्ट नहीं है सिर्फ स्टेयर्स हैं तो लिफ्ट लगा दी जाएगी, सो एन ऑन सो फोर्थ। तो रेट्रोफिटिंग ऑन कन्वर्जन होगी उन बिल्डिंग्स की, उन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की एंड उन वेबसाइट्स की बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो टारगेट क्या है, जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं स्कीम के अंडर, वो है कि एक तो जो रेलवे स्टेशंस हैं A1 A&B कैटेगरीज के और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको आपने फुली एक्सेसिबल टू द डिसेबल्ड बनाना है जुलाई 2016 तक, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या है कि एटलीस्ट 10% जो है गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैरियर्स जो हैं वो फुली एक्सेसिबल हों डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैरियर्स में एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इशू करती है कम से कम उसमें एटलीस्ट 50% जो है वो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे, ताकि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या तो इस फॉर्म में अवेलेबल हो ऑनलाइन कि वो टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट हो जाए, या फॉर एग्जांपल ब्रेल में अवेलेबल हो। तो एटलीस्ट 50% डॉक्यूमेंट्स जो है आपको उन क्राइटेरिया से मीट करवाने हैं। सो तीन चीज़ें, इंफॉर्मेशन वाला, ट्रांसपोर्टेशन वाला और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, राइट। तो हमने तीन डायमेंशंस देखी थी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो तीनों डायमेंशंस पे टारगेट्स हैं। जो DEPWD है इन्होंने इंटर मिनिस्ट्रियल कोलैबोरेशन भी शुरू करी है, अभी एक्सेसिबल पुलिस स्टेशंस डेवलप कर रहे हैं, एक्सेसिबल हॉस्पिटल्स डेवलप कर रहे हैं, एक्सेसिबल टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं। तो जैसे होम मिनिस्ट्री के साथ एक्सेसिबल पुलिस स्टेशंस, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ एक्सेसिबल हॉस्पिटल्स, टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ मिलके एक्सेसिबल टूरिज्म, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलके ये टेलीविजन प्रोग्राम्स की जो एक्सेसिबिलिटी है वो एनहांस कर रहे करने के कोशिश में है, जैसे कि कैप्शनिंग अगर ऐड कर दी जाए, टेक्स्ट टू स्पीच ऐड कर दिया जाए, ऑडियो डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया जाए, ताकि जो इन कुछ टेलीविजन प्रोग्राम्स की एक्सेसिबिलिटी है PWDs के लिए वो बढ़ जाए। तो इंटर मिनिस्ट्रियल कोलैबोरेशन भी कर रही है DEPWD, राइट, इंटर मिनिस्ट्रियल कोलैबोरेशन। तो आपने ये सब चीज़ें याद रखनी है। देन उसके अलावा वो एक मोबाइल ऐप क्रिएट करने के प्रोसेस में है, उनके उसके बारे में भी पढ़ते हैं। अलॉन्ग विद अ वेब पोर्टल फॉर क्राउड सोर्सिंग द रिक्वेस्ट रिगार्डिंग इन एक्सेसिबल प्लेसेस, कि आपने एक वेब पोर्टल क्रिएट कर दिया जहाँ पे लोग फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये एक PWD नॉट PWD फ्रेंडली प्लेस है, कि इनएक्सेसिबल टू PWDs है, तो इस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने इस टाइम पे बाकी भी मिनिस्ट्रीज़ ने ऐसी कुछ ऐप्स लॉन्च करी हुई हैं, जैसे स्वच्छ भारत के लिए भी है कि अगर आपको कोई गंदगी एक्सेट्रा दिखती है तो आप फोटो लेके अपलोड कर सकते हैं एंड उसको उसकी सफाई करी जाएगी। सो सिमिलरली फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे PWDs फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सो यू कैन टेक पिक्चर्स अपलोड एंड से कि यू नो ये सो एंड सो प्रॉब्लम फेस की मैंने या फेस करी जा सकती है किसी और PWD द्वारा, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये क्राउड सोर्सिंग है, आप लोगों से इनवाइट कर रहे हो कि अगर कोई चीज़ हमारी नज़रों से स्किप हो गई है तो आप हमें बताओ। तो मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल, राइट। रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या है स्कीम के अंडर, एक तो वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। इसके तहत वो क्या कर रहे हैं, 100 वेबसाइट्स ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज़ वो एक्सेसिबल बना रहे हैं PWDs के लिए, ठीक है। तो
तो वही इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा था, तो उसके तहत आप इमेजिन कर सकते हैं कि 100 वेबसाइट्स स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी गवर्नमेंट्स की हम पीडब्ल्यूडी एक्सेसिबल बना रहे हैं। दूसरी चीज, उन्होंने दिव्यांग सारथी लॉन्च की है। ये क्या है? एक मोबाइल ऐप है फॉर इजी डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू दिव्यांगजन्स। आपको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पीडब्ल्यूडीज को कहा कि हम उन्हें डिसेबल लोग नहीं कहेंगे, हम उन्हें विकलांग नहीं कहेंगे, हम उन्हें दिव्यांग कहेंगे। तो जो ये दिव्यांग जन है उनके लिए एक ऐप आई है दिव्यांग सारथी, ताकि इजी डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके, आसानी से उन्हें इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। तो इससे हम उन्हें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे? इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स, स्टेट्यूट्स मतलब कानून, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम्स, जॉब्स और अदर जरूरी इंफॉर्मेशन, क्रूशियल इंफॉर्मेशन दिव्यांग जन को, पीडब्ल्यूडीज को हम मोबाइल ऐप द्वारा पहुंचाएंगे। मोबाइल ऐप का नाम दिव्यांग सारथी। जो ये ऐप है, जो ये मोबाइल ऐप है, इसमें इनबिल्ट फीचर है ऑडियो नोट्स का, ताकि टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्जन सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, जो क्या करता है, रिटन इंफॉर्मेशन को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर देता है, और इसको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में डेवलप किया गया है। तो पहला वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट, दूसरा दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप, तीसरा एक्सेसिबल ई लाइब्रेरी जिसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो ये दिव्यांग जन के लिए लॉन्च करी जा रही है, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जिसमें डाइवर्स सब्जेक्ट्स के ऊपर एंड डाइवर्स लैंग्वेजेस में आपके पास टेक्स्ट अवेलेबल होंगे इन मल्टीपल एक्सेसिबल फॉर्मेट्स फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट एंड अदर प्रिंट डिसेबिलिटीज। तो इसमें 200,000 से भी ज़्यादा बुक्स हैं इन डाइवर्स लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये रीसेंट इनिशिएटिव्स हैं इस स्कीम के अंडर, सुगम्य भारत अभियान स्कीम के अंडर। कुछ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं जिनके तहत हमने ये स्कीम लॉन्च करी, या आप कह लो कि जैसे अगर इंडिया ह्यूमन राइट्स का सिग्नेटरी है इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में भी कानून लेके आना है। सिमिलरली यूएन की एक कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है। तो इस वजह से जो भी इस कन्वेंशन के एसेंशियल फीचर्स हैं उनको अबाइड करते हुए, उनको ओबे करते हुए इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च करी है, इंडिया ने कुछ कानून भी बनाए हैं इसके लिए। तो आर्टिकल 9 जो है यूएनसीपीआरडी का, वो सिग्नेटरी गवर्नमेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन कास्ट करता है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने अप्रोप्रिएट जो है स्टेप्स लेने हैं, ताकि जो पीडब्ल्यूडी लोग हैं, जो दिव्यांग जन हैं, वो फिजिकल एनवायरनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जो ये वाली जो चीज़ें हैं, इन तक उनका बराबर का एक्सेस हो, कोई डिसेबिलिटी नहीं हो एक्सेस में। तो वही तीन जो हैं डायमेंशंस इंडिया ने सुगम्य भारत अभियान के अंडर इंक्लूड किए हुए हैं। उसके अलावा जो ESCAP है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने भी एक इंचियन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी, जिसके अंडर कोट अनकोट मेक द राइट्स रियल, कि इनका थीम क्या था, मेक द राइट्स रियल, कि कहने को तो दिव्यांग जन के पीडब्ल्यूडीज के राइट्स हैं बट असली में उनके राइट्स लेके आओ, तो मेक द राइट्स रियल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन द एशिया एंड पैसिफिक। तो ये जो इंचियन स्ट्रैटेजी है, इसमें पहली रीजनली अग्रीड डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर अग्रीमेंट हुआ था। तो इंचियन स्ट्रैटेजी का जो गोल नंबर 3 है वो मेंशन करता है फिजिकल एनवायरनमेंट, जो हमने देखा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, 3 एसेंशियल डायमेंशंस, 3 एसेंशियल क्राइटेरियाज जिनके ऊपर आपने पीडब्ल्यूडीज को यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी देनी है, ताकि एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाई जा सके, राइट।
उसके अलावा डोमेस्टिक लॉज हमारे पास जो हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, जिसके सेक्शन 44, 45, 46 प्रोवाइड करते हैं कि पीडब्ल्यूडीज के साथ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पार्टिसिपेशन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रोड्स एंड बिल्ट अप एनवायरमेंट होना चाहिए. तो सेक्शन 46 के तहत वो कहता है पब्लिक बिल्डिंग्स में रैंप्स होने चाहिए, जो टॉयलेट्स हैं वहाँ पे व्हीलचेयर यूजर्स के लिए प्रोविजन होना चाहिए, एंड जो एलिवेटर्स हैं, जो लिफ्ट्स हैं, वहाँ पे ब्रेल सिंबल्स एंड ऑडिटरी सिग्नल्स होने चाहिए ताकि पीडब्ल्यूडी फ्रेंडली हो सके वो. एंड जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या बाकी कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे रैंप्स होने चाहिए. तो इन चीज़ों की ही बात हम शुरू से कर रहे हैं. तो हमने देखा कि सुगम्य भारत अभियान जो है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, वो स्कीम के फीचर्स क्या हैं, राइट? फीचर्स हमने देखे. फीचर्स के अलावा हमने देखा कि रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं इस स्कीम के, अम्ब्रेला स्कीम के तहत. फिर हमने देखा कौन से इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हमने साइन किए हुए हैं सेम फील्ड में, एंड डोमेस्टिक लॉ क्या है पीडब्ल्यूडी नॉन डिस्क्रिमिनेशन को लेके. तो ये जो इतना बड़ा वीडियो आया है आपके सामने, ये ना ही सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अगर 10 मार्क या 15 मार्क का कोई क्वेश्चन आता है जो आपसे ये पूछे कि डिसेबिलिटी या पीडब्ल्यूडी फ्रेंडली या पीडब्ल्यूडी लोगों को या दिव्यांगजन को यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं और क्या इसके लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कन्वेंशंस या लॉज हैं, उनको डिस्कस कीजिए. तो आपके पास ये पूरी जो 5 या 6 स्लाइड्स हैं, आप सारा का सारा कवर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, क्या डोमेस्टिक लॉज हैं, एक्सेट्रा. तो ये आपका प्रीलिम के साथ साथ एक पूरा मेंस का भी क्वेश्चन तैयार हो गया है. तो सुगम्य भारत अभियान यहीं पे ख़त्म करते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.